दोस्तों नूं दसो हाँ कि पठ्ठां दा ते तुसीं रेट दस्सिया ना कि 50-60 हज़ार की सेल करते हो ते लेले हर साल किन्ने क दे सेल कर लैंदे हो? लेले 9-10 लाख दे बेचदे ने, चंगे साल दुद्ध प्याई दा वे ते चंगे बणदे ने बेचदे ने, इत्थे ही बेचदे ने, शहर नहीं खड़े बंदे घर आके खड़ते ने। की तरीके कार हुंदा बच्चियां नूं किंज संभालदे हो किंज पालदे हो? सिरप शिरप इक लभदा ओह दई दा। ठीक है, सिरप दा नां दसो हाँ। फ्रैजल सिरप भाई जान दुद्ध प्याया जे माड़ी माड़ा जेड़ा वे दासा करदा सिरप दई बल हो जांदा। ठीक है, त्यार बकरियां नूं तुसीं घ्यो सर्दियां च दिंदे हो या गर्मियां च वी दिंदे हो? ठंड च दईदा, गर्मी च घट बात नूं जे वी सूप वे कोनी हुंदा, अजकल बात हुंदा ठंड छंड हुंदी सौखी बकरियां सूप पैंदियां। अच्छा, देसी घ्यो दिंदे हो? देसी दे लभ जे दे दईदा, नहीं तां डालटे ही पाता दईदा, झूठ नहीं मारना। गुड, बाज के वी खा लैंदियां ने ते तरीके नाल बंदा ना करे ऐ जो ना, कई बंदे डरते नहीं लैंदे भाई भाई बन के जेड़ा वे नहीं चगा खांदियां, खा लैंदियां सारा कुछ की लब्भे ते की कोई फैर नहीं जंगर खांदा खा जांदा। यह गल है, माल च बड़ी बरकत है, जेड़ा भी काम शुरू करे अल्लाह रोजी दे इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह क्यों नहीं दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई, की हाल है? ठीक ठाक। जनाब दा की नाम है? हुरम शहजाद। हुरम भाई कैसा इलाके तू तलक है? सारा कुछ। जिला गुजरात है जी। ते भाई किन्ने साल तू बकरियां दा काम करदे हो पे? ते शुरू तो करे दी हुन वाला साहब ने छुट्टे दे दी आप दाल होई दा। अच्छा माशाल्लाह, ते तुहानू इस काम च आया किन्ने साल हो गए ने? हो गए 15 साल। माशाल्लाह, ते दोस्तां नूं दसो हां कि बकरियां पालन वाला काम किस तरह दा है, तुसी इस काम तू की हासिल करदे हो पे, की कुछ कमांदे हो पे? साल च लेले बेची दे ने, पट्ठा नाल नाल तैयार होनी बेची दियां ने, बड़ा माल च बरकत है, 50-60 हज़ार की बेची दी है, हूँ भी अल्लाह करे सूइयां ने तैयार, पट्ठा ने जोड़ा जोड़ा उन्होंने मगर ते सोहने ने जोड़े, तो हूँ फिर अगू अल्लाह करे बेचनिया ने। दोस्तों नूं दसो हाँ कि पट्ठा का तो तुसीं रेट दस्सिया ना कि 50-60 हज़ार की सेल करते हो ते लेले हर साल किन्ने क दे सेल कर लैंदे हो? लेले 9-10 लाख दे बेचदे ने, चंगे साल दुद्ध प्याई दा वे ते चंगे बणदे ने बेचदे ने, इत्थे ही बेचदे ने, शहर नहीं खड़े बंदे घर आके खड़ते ने। ते शहर क्यों नहीं लैके जांदे? शहर इत्थे ही विक जांदे ने बंदे गाहक पक्के ने। कुछ दोस्त ते कहंदे ने कि अगर शहर च लैके जाइए मंडी च रेट ज्यादा मिलदा, कुछ कहंदे ने कि अपने इलाके च ज्यादा मिल जांदा, तुहाडा तजुर्बा की कहंदा? साडे इत्थे ही विक जांदे, बड़े बेस्ट विकदे ने। अच्छा रेट मिलदा? बिलकुल, बड़ा वधिया मिलदा। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਈਦ ਉੱਤੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਚਗਾਈ ਤਾਂ ਬਸ ਕਣਕ ਸ਼ਣਕ ਸਿਆਲ ਗੱਡੇ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਜਾ ਪੀਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਆਹਾਂ ਕਦੋਂ ਥੱਲੋਂ ਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਉਂਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਵੱਡੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਫੁੱਲ ਵੱਡੇ ਤੂੰ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਈਦ ਉੱਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੇ। ਸਾਲ ਚ ਕੋਈ ਲੇਲੇ ਵੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਲਦਾ, ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਣ ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਲੇਲੇ ਬਣੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਆਹਾਂ ਥੱਲੋਂ ਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੇਚੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਜੇ? ਹੈ ਨੇ 80-90। 80-90 ਜੀ, ਘਰ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ 80-90। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ? ਸੂਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੂਈਆਂ ਨੇ? 15-16 ਸੂਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਸੂਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 12-13 ਦਿਨ, ਕੋਈ ਅੱਜ 2 ਸੂਈਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮੀ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਘਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈ 22-11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਂਭ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਂਭ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ ਕਿੰਝ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਪ ਸ਼ਿਰਪ ਇੱਕ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਦਈ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੈਜਲ ਸਿਰਪ ਬਈ ਜਾਨ, ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਜੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਾਸਾ ਕਰਦਾ ਸਿਰਪ ਦਈਏ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ
जेडे छोटे जा होंगे ने उन्होंने दुध पिलाने का की तरीकेकार है? दो टाइम पिलाती है वो, तीन टाइम पिलाती है? सुबह ते शाम जी। इस तो अलावा और उन्होंने की कोई एहतियात होंगी है? हूँ तो कौन डाणी लगे फिर डाणी जब लग जाए कोई छे सात दिन घर ही कोई डाणी शाणी खानी ने फिर नाल लै जाइए नाल चुकते हैं। ठीक है जी जी उत्थे नाल ही दुध शुद्ध प्या दे शाम जब वापसी आवेद ना दुध प्या घर लै भी दे। तो डाणी किन्ने महीने के लगते जी? डाणी लग जाते ने महीने डेढ़ दिन लग जाते। ठीक है महीने डेढ़ दिन लग जाते ने जी लग जाते। ठीक है तो भाईजान सर्दियों से यह जानवरों तुसी खुराक केड़ी केड़ी इस्तेमाल कराते हो जिहड़ी इन्हां दी सेहत वास्ते अच्छी होए ते इन्हां नूं नुकसान भी ना होए? अजकल बेड़ी पाई दी है जिहड़ी इन्हां दी खुराक देसी माल पीता है ते जां हुण जिहड़ा अल्लाह करे कणक गाड दित्ती है हुण कणक गाड दित्ती है कणक शणक अग्गों जिहड़ा खाणी ने ते रजका भी कड्डे आवे ए किकर शिकर पा लईदा वे ते घर भी माड़ा माड़ा मोटा पाईदा वे कोई डाणी शाणी लिया के। जड़ी गंदम है जड़ी सबज गंदम है वो चारा पाते हो या कि गंदम के दाने पाते हो? कणक इंजे उंज हूँ सुखी पाई दी है कोई दुध शुद्ध चंगा दे शाम सवेरे कणक पाई दी। सिर्फ बकरियां या बकरियां भी ले लिया नहीं पाई दी हूँ भी पाई दी जड़े पूरे पूरे ने ना मुठ मुठ पा दे। ठीक है जड़ी बकरी दुध देने वाली है उन्हू रोजाना की किन्नी कणक पाते हो तो जड़ा बकरा है उन्हू कि पाते हो? दो दो प्यालियाँ पा दे दी काफ़ी होंगी अन्नी में पाती पाइए तो फिर नहीं चंगी होंगी। अच्छा कणक जी जड़ा बकरा है उन्हें भी दो प्यालियाँ जी की उन्होंने घट दें? नहीं उन्हें भी दो ही। ठीक है तो जड़ी बकरी है बकरी का अगर दुध ज्यादा लेना हो तो सिर्फ कणक ही पानी पैंती है या कि कोई और चीज़ भी पानी पैंती है? कणक ठीक है बेस्ट है कणक कणक उन जो खुराक लभदी रहे सही चाय तो दुध आप पाई दे दी कणक ही पाता घ्यो श्यो भी देंगे ने बंदे। अच्छा ओदो तैयार बकरियां दे ठीक है उंज जेड़ा वे कणक ना दूध देंदियां ने। तैयार बकरियां नु तुसी घ्यो सर्दियां च दिंदे हो या गर्मियां च भी दिंदे हो? ठंड च दईदा गर्मी च घट वाद नु उंज भी सूप वे कोनी हुंदा अजकल वादा हुंदा फिर ठंड छंड आउंदी सौखी बकरियां सूप पैंदियां। अच्छा देसी घ्यो दिंदे हो? देसी दे लब जे दे दईदा नहीं तां डालटे ही पाता दईदा झूठ नहीं मारना। गुड गल सच्ची करनी है ते जड़ा कि होए भाई कि सून तो पहले उन्हें तुसी दे लेंदे हो किलो दो तीन किन्ना दिंदे हो? डेढ़ किलो। डेढ़ किलो ते रोजाना किन्ना देना चाहिए दा? पा बड़ा होंदा वे पा बड़ा पा काफी होंदा वे पा बर्दाश्त कर जांदी है कि दिन दा कर जांदी है खा जांदी। सून तो बाद भी कोई चीज दिंदे हो? दही दी है। की दिंदे हो? अगर कंद शगान दही भी अंदरों या साफ हो जाए बकरी तेरा क्यों दिंदे हो? सून तो कितनी देर पहला शुरू कर लेंदे उन्हें देना? छिया सत्तर दिन पहला सून तैयार है ना बकरी देना शुरू कर दिता जो सूना तो भी उन्होंने देना मैं उदू बाद भी जरा तैयार तोरी करनी जरूर है भाई जब जा वड्डा होया फिर अल्लाह वारस कोई डाल नहीं वधिया हो जाता काम। ठीक है जेड़े दोस्त बकरियां पाल के इन्हों पैसे कमाना चाहते ने बड़े दोस्त ने जेड़े यह काम करना चाहते ने जी जी तुम उन्होंने की मशवरा दवो दे? यह माल बड़ा बरकत वाला वे कोई रौला नहीं बस ए सामभ माल भी करनी है और कोई मसला नहीं बज के भी खा लैंदियां ने जे तरीके ना बंदा ना करे ऐसा कई बंदे डरते नहीं लैंदे भाई भाई बन के जड़ा वे नहीं चगा खादियाँ खा लैंदियां सारा कुछ की लब्भे तो की कोई फैर नहीं जंगर खाता खा जाता यह गल है माल च बड़ी बरकत है जड़ा भी यह काम शुरू करे अल्लाह रोजी देगा इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह क्यों नहीं देगा। ठीक है तो जो दोस्त थोड़े ना रबता करना चाहते ने रबता नंबर की है भाई इन्हों का? मेरे को तो मोबाइल ही दूजे मेरे भाई को मोबाइल। चलो उन्होंने नंबर लैके स्क्रीन पर शो कर दें और कोई जानवर भी है जे सेल करने वाले बेचने वाले जी है ने कि केड़े जे है बेची ने कोई पट्ठा छट्टा ने देनिया ने तैयार ने तैयार ने तुहाडा भाई जान बहुत शुक्रिया तुसी अपना कीमती वक्त दिता है बड़ी अच्छी तुम दा गुफ्तगू की है अल्लाह हाफिज़।